हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईसीएससी सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन फिजिक्स पेपर इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे अब आगे के ट्वेंटी क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से ठीक है देखते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है फिगर टेन गिवन बिलो शोज अ ग्राफ ऑफ ई जनरेटेड बाईन ए सी जनरेटर वर्सेज टाइम वॉट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ई एम एफ ठीक है तो ई एम एफ वर्सेज टाइम का ग्राफ है और हमें फ्रिक्वेंसी ई एम एफ की फाइंड आउट करनी है ठीक है तो देखो जैसा कि आपको पता है ये एक वेव एक कंप्लीट साइकिल कितने जितने टाइम में होती है उसे हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं ठीक है तो टाइम पीरियड आपसे आप देख सकते हो कितना है जीरो पॉइंट वन जीरो और हमें क्या निकाली है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी आपको पता है वन अपॉइंट टाइम पीरियड होता है तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी वैल्यू तो भी वन अपॉइंट जीरो पॉइंट वन जीरो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच टेन टैन हर्ट इज द फ्रीक्वेंसी तो का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ट्वेंटी देखेंगे इफ एम ई टाउ एंड एन रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द मास चार्ज एवरेज टाइम एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वॉट विलर ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एन एरिया ऑफ प्रोसेशन ए ठीक है तो आपको पता है रजिस्टेंस का फॉर्मूला इन ट इन माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर के टर्म में कितना होता है एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाओ अपॉन ए ये रिलेशन कैसा है इसका एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ तो आपको पता है करेंट इज इक्वल टू एन ए वी डी और वी डी क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है दिस इज ई कैपिटल ई रेट इज एक्टिव फील अपॉन एम टाओ ठीक है और आई को हम लिख सकता हूँ वी अपॉन आर ठीक है बाय ओम स्लो और अगेन ई को भी मैं क्या लिख सकता हूँ वी अपॉन एल लिख सकता हूँ ना ठीक है बिकॉज इलेक्ट्रीफिलीज नेगेटिव रेडियन पोटेंशियल ओके सो नाउ दिस इज वी अपॉन ऑन एल और यहाँ से वी से वी कैंसिल हुआ और आर देखोगे आप क्या आ गया यहाँ से आर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम एल एन स्क्वायर टाओ ए ठीक है रफली मैंने आइडिया दिया डेरीवेशन कैसे होगी तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज वी वट विल इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डबल्ड ठीक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमें पता ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे ठीक है तो डेट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये कितना रिलेशन तो अब जैसे हमने देखा है एन इजल टू ए वीटी तो देखो इनमें रिलेशन अगर देखना है तो वी डी क्या हो जाएगा आई अपॉन एन ए वी एन ई ए आई अपॉन एन ई जिसमें एन क्या है करंट डेंसिटी चार्ज डेंसिटी और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ए एरिया और क्रॉस सेक्शन ठीक है अगर ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट है तो वी डी ई आई के प्रोपोर्शनल है और करंट डबल होगा तो वी डी भी डबल हो जाएगा तो सी आंसर हो जाएगा इसका ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट है इसके बाद ट्वेंटी फोर क्वेश्चन इफ एट इज स्ट्रैच टू डेट इज लेंथ बिकम फोर टाइम्स वट विल बी द न्यू रजन ऑफ द वायर तो रजिस्ट्रेन कितना है टेन ओम में वायर का इसको अगर स्ट्रेच करके फोर टाइम्स कर देंगे ठीक है तो लेंथ को फोर टाइम कर देंगे तो हमें पूछा है कि रजिस्ट्रंस क्या हो जाएगा न्यू तो आपको डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है न्यू रजिशन कितना होता है एन स्क्वायर आर जिसमें एन क्या है कितने नंबर ऑफ टाइम्स लैन को स्ट्रेच किया गया है तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट हो जाएगा एन स्क्वायर मतलब फोर स्क्वायर सिक्सटी इन टू न्यू ओल्ड टेन तो वन सिक्सटी आंसर हो जाएगा वन सिक्सटी वो ये कैसा है रिलेशन उसको भी देखिए तो आपको पता ना वॉल्यूम स्ट्रेच करने पे क्या वॉल्यूम चेंज होगा वायर का तो बिल्कुल वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वॉल्यूम होता क्या है लेंथ इंटू एरिया सपोज ओरिजिनल लेंथ एल वन एरिया स्मॉल ओरिजिनल एल टू एल ए वन ये ए एल टू ओके तो यहाँ से एल वन अपन एल टू क्या आ रहा है ए वन अपन सॉरी ए टू अपन ए वन आ रहा है ना ठीक है ए टू अपन ए वन आ गया ये रिलेशन याद रखना अब देखो जब हम क्या करते हैं रजिस्टेंस आर वन अपन आर टू आर वन अपन आर टू क्या होगा रो एल वन अपन ए वन और नीचे रो एल टू क्योंकि रजिस्ट्रीटर रेश, सेम रहेगी वो कैंसिल हो जाएगी एल टू अपन ए टू ओके और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा यह आ जाएगा एल वन अपॉन एल टू ए टू अपॉन ए वन ठीक है और ए टू अपन ए वन हमने अभी देखा था कितना होता है ए टू अपन ए वन अपन एल टू होता है अभी हमने देखा था तो आर वन अपन आर टू क्या हो जाएगा L1 अपन एल टू का होल स्क्वायर ठीक है तो और देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये एल वन और एल टू एल वन जो है या एल टू जो है वो एल वन का फोर टाइम्स है जैसे है ना जैसे एन टाइम्स है तो इस केस में फोर टाइम्स है तो एलवन अपन एल टू क्या है एलवन अपन एल टू तो आप देख सकते हो दिस इज वन अपॉइन्ट एलेवन अपन एल टू हो जाएगा वन अपॉइंट फोर ऑबियसली ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये तो इसका स्क्वायर और जब आर वन आर टू निकालेंगे इसका स्क्वायर अभी हमने देखा तो वन अपॉइंट फोर का स्क्वायर तो यानी कि जो डिस्टेंस है वो सिक्सटीन टाइम्स हो जाएगा मतलब अगर एन टाइम्स हो रहा है स्ट्रेच लेंथ तो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ठीक है तो वन बीस का करेक्ट ऑप्शन होगा डायरेक्ट आप याद रख सकते हो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव में पढ़ेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द करेंट डीएल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट पॉइंट पी इन द फिगर तो करंट एलिमेंट डी एल अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है है ना कन्फ्यूजन क्या है सिंबल को लेकर डीएल तो क्या होता है लाइन एलिमेंट है ठीक है लाइन एलिमेंट है करंट एलिमेंट तो आइडियल होगा ठीक है करंट एलिमेंट तो आइडियल डीएल होगा ठीके? तो यहाँ पर डी जो बोला है करेंट तो यहाँ है ना ये देखो करेंट तो यहाँ है यहाँ पर ये आईडीएल बोलता और मैग्नेटिक फील्ड तो अगर डी एल और करेंट एलिमेंट नहीं लाइन एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल देखे तो कितना है बी डी एल के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो डिग्री है सेम डायरेक्शन में ओके जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसमें देखो राइट एंगल राइट एंगल से आप करेंट डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करोगे और जो लाइन वो कर ला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी और हम इधर ही मूव कर रहे हैं तो जो हमारा इनके बीच में एंगल हो जाएगा वो कॉस ज़ीरो हो जाएगा और कॉस ज़ीरो आपको पता है ठीक है तो इनके बीच में हमें क्या पूछा है एंगल पूछा है ठीक है जीरो डिग्री है बी और ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ज़ीरो डिग्री आंसर है करंट एलिमेंट नहीं होगा लाइन एलिमेंट होगा ठीक है तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा ओके okay, इसके बाद देखो तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका जी पैरल टू अदर है ठीक है दोनों क्या है एक दूसरे से पैरल है ठीक है और अगर ये करंट एलिमेंट ही पूछ रहा होता है यहाँ पर करंट एलिमेंट की तो वैसे बात नहीं हो सकती है करंट एलिमेंट फिर भी पूछा है करेंट एलिमेंट बी के बीच में तब एक दूसरे की ये दोनों क्या है तब परपेंडिकुलर है ना तब परपेंडिकुलर अदर ठीक है तो लेकिन यह डी एल ही है DL डी एल मतलब लाइन एलिमेंट नॉट करेंट एलिमेंट करेंट एलिमेंट आइडियल होता है तो पैलल टू इच अदर तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए अगर वो चीज़ यहाँ लिखी है तो ओके क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स में पढ़ेंगे एन ए सी जनरेटर जनरेटिंग एन ई एम एफ ऑफ ई इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड साइन हंड्रेड पाई टी इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्सटी माइक्रोफेरा इंडक्टर एंड हंड्रेड ओम रजिस्टर वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पूछा है इसी जनरेटर को हमने एक बेसिकली एलसीआर सर्किट में कनेक्ट किया है ओके okay? तो एलसीआर सर्किट में लेकिन हमें डायरेक्ट यहाँ से देखो जो एसी की ईएमएफ की जो इक्वेशन है वो क्या है इजिकल टू उसको मैं अगर आप कंपेयर करूँ जो इक्वेशन होती है ऑल्टरनेटिव वोल्टेज की ऑल्टरनेटिव ई एम एफ की तो ई नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है अगर इससे कंपेयर करो आप तो देखोगे दिस इज द एम्पलीट्यूड थ्री हंड्रेड और ओमेगा कितना यहाँ से हंड्रेड यहाँ से ओमेगा कितना आ गया हंड्रेड पाई आ गया ओमेगा ठीक है हंड्रेड पाई अगर ओमेगा आ गया तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी विल बी तो फ्रीक आपको पता है टू पाई टू पाई ओमेगा कितना होता है टू पाई एफ होता है और ओमेगा आया कितना है हंड्रेड पाई आया ठीक है तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा फ्रिक्वेंसी देखो कितनी आ जाएगी फिफ्टी हर्ट्स आ जाएगी ठीक है तो एफ कितना आ गया यहाँ से फिफ्टी हर्ट्स ओके और सारे पैरामीटर की कुछ नीड नहीं थी बस इसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो फ्रिक्वेंसी फिफ्टी हर्ट्स आ जाएगी इसके बाद ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन में पढ़ेंगे फोर आइडेंटिकल सेल्स हैविंग एन ई एम एफ और फोर वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल पैंडल वर्ड फुल विद एफ ऑफ द कॉम्बिनेशन तो चार ई एम एफ को हमने कनेक्ट किया चार आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में पैलेट में कनेक्ट करेंगे तो उनका जो टोटल ई क्या होगा तो आंसर है वो फोर ओम ही रहेगा है ना सीरीज में कनेक्ट करके तो ऐड हो जाता बट पैलट में कनेक्ट करने, करने पर वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा क्योंकि देखो ई एम क्या है बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर सपोर्ट इसको ऐसा समझो पहली बार आंसर तो क्या होगा फोर ओम फोर वोल्टो आंसर होगा ठीक है अगर इसको क्या करता हूँ मैं इस कॉम्बिनेशन से एक चार्ज को मुझे मूव करना है इस समय मैंने एक रजिस्टर से कनेक्ट किया चार्ज को मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे किसी भी एक पाथ से फ्लो कर सकता है चार्ज एक सिंगल चार्ज एक ही पाथ से फ्लो करेगा एक टाइम में ठीक है क्वेश्चन ट्वेंटी एट देखेंगे टू वोल्ट बैटरी ऑफ फिफ्टी ओन ओम रजिस्टर एंड पोटेंशियो मीटर ऑफ हंड्रेड सेंटीमीटर लेंथ ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ़ द रजिस्टर ऑफ पोटेंशियो मीटर वायरस फाइव ओम दैन द पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियो मीटर वायरस ठीक है तो एक बैटरी देखो कनेक्ट करिए टू वोल्ट की इसके बाद एक रजिस्टर फिफ्टीन ओम का उसके बाद एक हंड्रेड सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर मीटर वायर कनेक्ट करिए जिसकी जो रजिस्टेंस है वो फाइव ओम है लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर है ओके और ये फिफ्टी ओम का रजिस्टर है और टू वोल्ट की बैटरी हमें निकालना है कि पोटेंशियल रेटिन कितना होगा ठीक है इस वायर का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल मीटर वायर के अक्रॉस उसको निकालने के लिए मुझे करंट चाहिए वो करंट निकालने के लिए क्या करूँगा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा फाइव प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी वोल्ट ट्वेंटी ओम ट्वेंटी ओम आ गया और वोल्टेज कितना टू तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा आई क्या होता है वीओ अपॉन आर ठीक है तो यह आ जाएगा जीरो पॉइंट वन एम पी जीरो पॉइंट वन एम आ गया तो वोल्टेज के अक्रॉस निकल जाएगा वी कितना जाएगा आई इन टू आर कितना जीरो पॉइंट वन है जीरो पॉइंट वन इन टू रजिस्टेंस कितना रजिस्टेंस की वैल्यू है फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव आ गया पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ़ द वायर पोटेंशियल मीटर वायर पोटेंशियल ग्रेड निकालना था वी के होता v upon L, और, v है वी ए एल ठीक है और वी कितना जीरो पॉइंट फाइव है लेंथ कितना है हंड्रेड सेंटीमीटर है तो दिस विल कम आउट टू बी जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव वीमीटर तो कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर वन सही है ठीक है क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन में पढ़ेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज ट्वेंटी मीटर बी एन सी आर द दू पॉइंट फोर्टी सेंटीमीटर ऑन सेन दीटर बी स्कॉन्ग द वायर इज व डिफरेंस बिटवीन बी एन सी ठीक है ओके okay, तो हमारे पास क्या गिवन है एक पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रोस जो लेता हूँ यूनिफॉर्म वायर एक वायर है जिसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो ट्वेंटी वोल्ट पर मीटर है है ना तो हमें बी एर सी दो पॉइंट है इस वायर के अक्रॉस बीच में गई इतने में पूरी वायर कितने की है तो पूरी वायर तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है अच्छा वोल्ट पर मीटर वो मेंशन नहीं है बट फोर्टी सेंटीमीटर मार्क पे और यहाँ पर सेवेंटी सेंटीमीटर पे बी और सी पॉइंट है हमें फाइंड आउट करना है कि इसके अक्रॉस बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ठीक है अब देखो तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं पूरे वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेटेंट है वो कितना है ट्वेंटी वोल्ट पर मीटर ठीक है तो फोर्टी सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम क्योंकि ट्वेंटी वोल्ट पर मीटर है ट्वेंटी वोल्ट पर मीटर मतलब ट्वेंटी वोल्ट पर हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है तो बी पे कितना होगा पोटेंशियल जस्ट मल्टीप्लाई बी कितना आ जाएगा के इन टूल पोटेंशियल एट इन लेंथ लेंथ कितनी है फोर्टी सेंटीमीटर है तो उसको करेंगे तो जीरो से जीरो के आंसर दो दिस विल कम आउट टू बी एट वोल्ट एट वोल्ट आ गया तो बी के अक्रॉस कितना है बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एट वोल्ट है सी पॉइंट पे, पे जो सेवेंटी सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेवेंटी अपॉन दिस विल बी हाउ मच दिस विल बी ट्वेंटी अपन हंड्रेड फिर से बैसी ठीक है इन टू से तो वो फोर्टीन आया और ये एट वोल्ट आया तो पोटिशन डिफरेंस कितना बी और सी के बीच में सिक्स वोल्ट आ गया ठीक है आई होप समझ में आया वोट क्वेश्चन नंबर थर्टी इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर बीच ऑनपॉइंट इज ऑफ्टन एट देंटर ऑफ्रिच वायर वैन द रजिस्टर फाइव इज कनेक्टेड इन वन गैप वाट इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस इन द अदर गैप मीटर बीच में हमने क्या किया नल पॉइंट ऑफ टेन किया ठीक है नल पॉइंट ऑफ टेन किया मीटर बीज में ठीक है और इसमें हमने यहाँ पर ये नॉन रजिस्टेंस लगा देते हैं और उसके बाद नॉन रजिस्टेंस ठीक है कुछ ऐसा सेटअप होता है आपको पता है मीटर बीज का और हमें यहाँ से एक जॉकी कनेक्ट करते हैं ठीक है और जॉकी जॉकी गैल्वेनोमीटर से फिर जॉकी कनेक्ट करते हैं तो बोला है कि जब हमने क्या लगाया एक इस गैप में फाइव ओम का रजिस्टर लगाया ठीक है ठेके? और नल पॉइंट का ऑप्टेन हुआ बिल्कुल बीचों बीच ऑप्टेन हुआ सेंटर में मतलब फिफ्टी सेंटीमीटर और यहाँ भी पी फिफ्टी सेंटीमीटर है ना क्योंकि हंड्रेड सेंटीमीटर का ये पूरा वायर होती है ठीक तो है तो फाइव ओम का रजिस्टर यहाँ लगाया तो मैं पूछा कि दूसरा कितने का लगाया होगा ताकि ये बैलेंस में आ जाए ठीक है आपको पता है पी ओपोन क्यू और अपोनेंस के बराबर होता है ठीक है पी की वैल्यू कितनी है फाइव है ठीक है क्यू की वैल्यू नहीं पता ये 50 सेंटीमीटर है और ये भी 50 सेंटीमीटर है ये कितना आ गया दिस इज़ कम टू बी वन तो क्यों डेफिनेटली फाइव ओम में ही होना चाहिए तभी बैलेंस होगा तो थर्टी का आंसर फाइव हो जाएगा ठीक है तो टेन क्वेश्चन रखते हैं इस वीडियो में इसके नेक्स्ट वीडियो में टेन क्वेश्चन आगे के मैं आपको सॉल्व करके देखाऊंगा क्लास ट्वेल्व फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर स्पेसिमिन पेपर ओके तब तक लेट थैंक यू इसलिए सबका जो इक्विवेलेंट आएगा वो फोर वोल्ट ही आएगा ओके